एवरीवन, मैं हरदेव सिंह हमारे चैनल डाइव टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक फ्रॉम द ऑपरेशनल रिसर्च। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल एंड द स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट ओनली। एंड इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ इसके अंदर ऑपरेशंस मैनेजमेंट के रोल एंड स्कोप करने जा रहे हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टॉपिक है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के अंदर, इसमें से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो भी मैं आपको करवाऊंगा उसके आपको की पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आप उस की पॉइंट्स को अपने पास एक नोट कर लेना ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपकी हेल्प हो जाए। सो लेट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द व्हाट इज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या। बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, वन इज़ ऑपरेशन एंड वन इज़ मैनेजमेंट। टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन मैनेजमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस। सो हेयर ऑपरेशंस रेफर्स टू कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश प्रोडक्ट, और वी कैन से दैट कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू द आउटपुट। तो ये तो हो गया सिंपल मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस, कि रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करना। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी क्या है समझना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि जिस चीज़ में वर्ड मैनेजमेंट आ जाता है, बेसिक हमने प्रिंसिपल सभी पढ़े हुए हैं मैनेजमेंट के, देखे हुए हैं। मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग तक कुछ फंक्शंस है, उसी तरह से ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक ऐसी मैनेजमेंट है जिसका काम क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं फॉर कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश वन, ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर टू बी प्लान्ड, ऑल दोज एक्टिविटीज़ आर टू बी मैनेज्ड बाय दिस मैनेजर। मीन टू से एक्टिविटीज़ के अंदर प्लानिंग, कौन कौन से मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ये सारा कुछ प्लान होगा। एज वेल एज़ उस प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज़, देन कंट्रोलिंग। ये सारा कुछ जब हमारे प्रोडक्शन के अंदर, मतलब कन्वर्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश के अंदर एप्लीकेबल होगा, तो उसको हम बोल देते हैं ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो आपको पता ही होगा, अगर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में आप चले जाएं तो उसके अंदर अगर कोई रॉ मटेरियल से फिनिश बन रहा है तो उसके अंदर प्रॉपर एक मैनेजमेंट होगी, जिसका काम क्या होगा, देखना कि जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू द फिनिश वन, क्या उसको सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है, सही तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। क्योंकि अगर किसी चीज़ को प्रॉपर वे से कंट्रोल किया जाए, फिर ही आपको स्टैंडर्डाइज एक प्रोडक्ट मिलेगा, फिर ही आपकी आपको जो उसकी क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज मिल पाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि आपकी एक कंपनी है, आप उस कंपनी के अंदर एक ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। मान लेते हैं आपकी कंपनी नहीं, आप घर पे ही एक ड्रिंक तैयार कर रहे हैं, आप वो ड्रिंक की बॉटल तैयार कर बेच रहे हैं। तो आपने क्या किया, आपने थोड़ा थोड़ा जो भी उसके लिए चाहिए हमको मटेरियल, हमने इकट्ठा किया मटेरियल, मिक्स करना शुरू कर दिया, उसके अंदर शुगर कितना ऐड करना है कितना नहीं, ये हमने एक आइडिया से हम ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही मिला दिए, प्रोडक्ट बन गया, तैयार हो गया, सभी ने लिया, ओके हो गया। अब हो क्या रहा है, अगर आप इसको बार बार बना रहे हैं, जैसे आज आपने मान लेते हैं 10 लीटर तैयार किया, तो 10 लीटर जब तक नहीं ख़त्म होगा उसका टेस्ट सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने नेक्स्ट 10 लीटर तैयार किया तो उसके टेस्ट के अंदर, फ्लेवर के अंदर टोटली चेंज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बिकॉज वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि आपने ऑपरेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं यूज़ किए। हो सकता है कि आपने पानी ज़्यादा मिक्स कर दिया हो, आपने नहीं चेक किया पहली बारी कितना दिया था, हो सकता है आपने जो शुगर है किसी और क्वालिटी की ले ली हो सकता है उसके अंदर कोई और भी आइटम, जैसे मान लेते हैं उसके अंदर कोई एक कोई गैस मिक्स की जा रही है, फ्लेवर मिक्स किया जा रहा है, वो फ्लेवर जो था वो पहले आपने थोड़ा ज़्यादा मिक्स किया, आज आपने कम कर दिया मिक्स। सो इसका मतलब उसके टेस्ट के अंदर फ़र्क आ रहा है ड्यू टू द नॉन स्टैंडर्डाइजेशन। और वो क्यों नहीं है नॉन स्टैंडर्डाइजेशन क्यों है, क्योंकि आपके पास उसके लिए एक मैनेजर नहीं है अलग से, आपके पास ऑपरेशन मैनेजमेंट नहीं है। अगर वही काम आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल टेक्निकल, जिसको नॉलेज भी है इस फील्ड की, उस पर्सन को रखेंगे, तो वो इस काम को करने के लिए हर चीज़ को ध्यान में रखेगा। जैसे वो पानी देखेगा कि 10 लीटर में अगर मैंने पानी लिया तो इतना, तो शुगर कितनी ऐड करनी, हर बार ऐड करेगा उतनी ही क्वांटिटी में, और शुगर का जो ब्रांड होगा वो भी सेम लेगा। इसी तरह से फिर वो उसके अंदर बाकी के जो मिक्स करने हैं सप्लीमेंट्स, वो भी सारे सोचेगा, देखेगा कितनी क्वांटिटी में लेने हैं,
और कौन सी कंपनी के लेने हैं, तो उससे जो आउटपुट निकल के आएगा वो ऑलवेज सेम होगा, उसके अंदर क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इसकी मैं अब बता भी देता हूँ, जैसे आप पेप्सिको कंपनी का नाम सुना होगा, तो पेप्सिको अपनी कोल्ड ड्रिंक तैयार कर रही है, तो उसके अंदर आप देख रहे हैं कि थम्सअप चाहे आप इंडिया में ड्रिंक कर लो, चाहे आप पंजाब में पी लो, चाहे आप पंजाब से बाहर चले जाओ, चाहे आप इंडिया में ड्रिंक करो, चाहे आप जाके फॉरेन में ड्रिंक करो, एवरी टाइम यू गेट द सेम टेस्ट एंड सेम फ्लेवर। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट, रीज़न क्या है कि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रही है। एवरी टाइम सेम मेथड, सेम ऑपरेशंस, सेम मशीन्स आर टू बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूस द कोल्ड ड्रिंक, सो दैट्स व्हाई उसको हर टाइम सेम मिल रहा है। तो सेम एज अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट होगी तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट, फ्लेवर, एवरीथिंग शुड बी सेम एवरी टाइम। सो ये होता है एक ऑपरेशन मैनेजमेंट होने और ना होने से फ़र्क। तो आओ हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद डिज़ाइनिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन क्या आ रही है, कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है हमारा, मशीन्स हो गया इसके अंदर, इसके अंदर मेथड हो गया प्रोडक्शन का, एज वेल एज ऑल अदर थिंग्स विच आर मस्ट फॉर द प्रोडक्शन आर ऑलवेज सेम, वो हमेशा सेम रहेंगी। सो दैट्स वाई ये सारा कुछ बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। सो दैट्स वाई द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑल्सो भी सेम, एंड रीडिज़ाइनिंग द बिजनेस ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर रीडिज़ाइनिंग का मतलब है कि बार बार बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से, सॉरी प्रोडक्ट की सिचुएशन या नेचर के हिसाब से जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको रीडिज़ाइन भी किया जाएगा। ये नहीं है कि एक प्रोसेस बन गया, हर बार हर प्रोडक्ट के लिए सेम चल रहा है। देर मे बी अ चांसेस ऑफ रीडिज़ाइनिंग ऑफ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, सो दिस वन इज़ अ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो इस तरह से थी ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है और डिज़ाइन करती है इस तरह से कि जो क्वालिटी है हमारे आउटपुट की वो अच्छी आए, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली ही मिले। तो नाउ नेक्स्ट वन वी हैव द प्रोसेस। ये सारा प्रोसेस है, आप देख सकते हैं इनपुट के अंदर आ जाएंगे ऑल द रिसोर्सेज, कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर आ जाएगा मेथड ऑफ प्रोडक्शन, वेयर द मशीन्स प्रोसेस विच आर टू बी यूज टू कन्वर्ट द रॉ इनटू फिनिश, एंड आउटपुट के अंदर आ जाएगा प्रोडक्ट और सर्विस जो बन के तैयार हो गए। अब इसके एक नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस डिज़ायर्ड, मीन टू से जो आपने सोचा था, जो क्वालिटी आप सोच रहे थे वो, और जो क्वालिटी आपको एक्चुअल में मिली है, दोनों को कंपेयर करके देखा जाएगा। इफ़ एनी डेविएशन इज़ देयर देन द मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजर विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। सो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो सारा प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रोसेस, तो इनपुट लिया, इनपुट को कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन के ऊपर प्रोसेस आ रहा है इसको भी मैनेज किया जा रहा है, जो इनपुट लेना है हमने उसको भी मैनेजमेंट के द्वारा अच्छी तरह से चेक और प्लान किया जा रहा है, फिर आउटपुट निकल के आएगा एट द एंड। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज़ मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू द क्वालिटी, रिलायबिलिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी टाइम। जैसे कि अभी हमने देखा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी इम्प्रूव, क्योंकि क्वालिटी एवरी टाइम यू कैन गेट द सेम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज ऑल द प्रोसेस मेथड ऑफ प्रोडक्शन और वी कैन से दैट द कन्वर्जन प्रोसेस एज वेल एज द इनपुट रिसोर्सेज आर स्टैंडर्डाइज और आर टू बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय दिस मैनेजमेंट। सो दैट्स वाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स, मिनिमम स्क्रैप एंड रीवर्क रिजल्टिंग इन बेटर क्वालिटी, लेस स्क्रैप हेयर, बिकॉज ऑल द इनपुट्स और वी कैन से दैट ऑल द रिसोर्सेज आर टू बी प्रॉपरली यूटिलाइज, देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सो दैट्स वाई मिनिमम स्क्रैप विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर यूर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज़ मिनिमम पॉसिबल इन्वेंट्री लेवल्स, हेयर इन्वेंट्री लेवल्स मीन टू से स्टॉक लेवल्स, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स आर पॉसिबल इफ देर इज़ अ गुड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अगर अच्छी ऑपरेशन मैनेजमेंट है तो ज़्यादा आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट मैनेज ऑल दिस थिंग्स विद द प्रॉपर वे, एंड एवरी टाइम यू हैव द प्रॉपर क्वान्टिटी ऑफ स्टॉक और विद प्रॉपर क्वालिटी, सो दैट्स वाई यू नो नीड टू मैनेज और यू नो नीड टू
handle these inventory levels at all time. Next one is maximum utilization of all kinds of resources needed. So jitne bhi resources hain, man, money, material, machine, all these resources are to be maximum utilized on the all kind of resources. So achhe tarah se sare resources jo hain wo use ho jate hain, utilize ho jate hain, koi bhi resource waste nahi ho raha. मिनिमम कैश आउटफ्लो, यहाँ पर कैश आउटफ्लो का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, जो पैसा आपको देना पड़ रहा है. नेचुरली है, जब अगर आपके पास अच्छी ऑपरेशन मैनेजमेंट है तो आपको खर्चा कम करना पड़ रहा है, यहाँ पर कैश जो है वो कम जाएगा एंड एम्प्लॉइज़ को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगी, बिकॉज लेस वेस्टेज एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर्स. नेक्स्ट वन इज हायर ऑपरेशनल एफिशेंसी ऑल्सो, मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन मीन टू से मैक्सिमम आउटपुट. व्हेन देयर इज लेस वेस्टेज एंड ऑल द रिसोर्सेज आर प्रॉपरली बी यूटिलाइज, सो आउटपुट ऑल्सो बी इंक्रीज और इन्हांस अंडर दिस एंड हायर ऑपरेटिंग एफिशेंसी. ऑपरेटिंग एफिशेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ऑपरेट करना एट अ मिनिमम पॉसिबल टाइम, इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम, एट अ मैक्सिमम, विद द मैक्सिमम आउटपुट और विद द हायर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी और लेस एट लेस वेस्टेज. तो अगर हम किसी चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं कम से कम खर्चे के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट और हायर क्वालिटी के साथ, उसको हम बोल देते हैं हायर ऑपरेटिंग एफिशेंसी. नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रोडक्शन साइकिल टाइम. प्रोडक्शन साइकिल टाइम का मतलब है कितनी देर के अंदर, सॉरी मिनिमम प्रोडक्शन साइकिल टाइम, प्रोडक्शन साइकिल टाइम का मतलब है कितनी देर के अंदर जो रॉ मटेरियल है फिनिश के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. तो जैसे कि हम देख सकते हैं एक इंडस्ट्री है जिसके अंदर हमने अच्छे से मैनेजमेंट रखी हुई है, तो उसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स एक दिन के अंदर ही तैयार हो जाते हैं बनके. तो इट मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन साइकिल टाइम जो है बिल्कुल कम होगा और ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगी. जितना प्रोडक्शन साइकिल छोटा होता जाएगा उतनी प्रोडक्शन ज़्यादा होती जाएगी, जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतना ही ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा, बिकॉज यू कैन फुलफिल द नंबर ऑफ डिमांड्स एट अ टाइम इफ़ यू हैविंग अ मिनिमम प्रोडक्शन साइकिल. नेक्स्ट वन इज़ मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट और रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. सो नेचुरली इफ़ यूर कंपनी हैविंग अ लार्ज प्रोडक्टिविटी और यू हैविंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट, देन यू कैन गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट और रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. कंसर्न फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, अ मैनेजमेंट नॉट ओनली कंसर्न विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो कंसर्न विद द सोसाइटी, बिकॉज इट ऑल्सो कंसिडर द सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट एंड ट्राई टू प्रोड्यूस ऑल सच प्रोडक्ट्स विच आर नॉट हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट. लास्ट वन इज मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिविटी. हेयर प्रोडक्टिविटी मीन टू से टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड. सो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो बी मैक्सिमम विद द हेल्प ऑफ दिस मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ट्राई टू प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट विद इन अ मिनिमम पॉसिबल टाइम. सो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स. नाउ नेक्स्ट वन द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट. तो स्कोप के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास कौन कौन से स्कोप हैं, हम वन बाय वन सभी स्कोप को देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्कोप, दैट इज़ प्रोडक्ट सेलेक्शन एंड डिज़ाइन. जैसे कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ये एक स्कोप का पार्ट है कि उसने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और डिज़ाइन देखना है. तो मैं पहले यहाँ से शुरू करने से आपको बता देता हूँ कि दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर द ऑपरेशन मैनेजमेंट रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज इफ़ देर इज़ अ रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अगर गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट हो जाता है मैनेजमेंट से, तो ये लंबे समय तक उसको नेगेटिव रिटर्न देता जाएगा, मतलब उसको लॉस बेयर करना होगा ड्यू टू द रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट. सो दैट्स वाई दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू सेलेक्ट अ राइट प्रोडक्ट कीपिंग द मिशन एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के, मिशन को ध्यान में रख के, फिर ही उसको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा और सही प्रोडक्ट ही सही प्रॉफिट दे पाएगा. अदरवाइज कंपनी जो है थोड़े ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी अगर गलत प्रोडक्ट सेलेक्ट करेगी. तो इसको ध्यान में रखना ज़्यादा है. नेक्स्ट वन इज़ डिज़ाइन ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज इट मेक अप कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव. डिज़ाइन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का डिज़ाइन अच्छा होगा, समटाइम ओनली द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट विच अट्रैक्ट टू द कस्टमर्स एंड कम्पीट यूर कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट. कई बार होता क्या है, हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट जो है वो आपके प्रोडक्ट से सस्ता हो,
फिर भी आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है, रीज़न क्या है उसके पीछे? प्रोडक्ट का डिज़ाइन। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक लेटेस्ट एग्जांपल है मेरे पास। जैसे आपने देखा होगा कि आज की डेट में नोकिया के फ़ोन की डिमांड कम है एज़ कम्पेयर टू द सैमसंग मोबाइल। द रीज़न बिहाइंड पुअर डिज़ाइन, पुअर क्वालिटी मैनेज और डिज़ाइन मैनेजमेंट ऑफ द नोकिया कंपनी। सो एक टाइम था जब नोकिया की सेल सबसे पीक के ऊपर पीक पर थी बिल्कुल, लेकिन आज की डेट में सैमसंग हैविंग अ बेटर डिज़ाइन देन द नोकिया वन। सो दैट्स वाई आज हम यूँ भी बोल सकते हैं कि रेडमी का फ़ोन भी ज़्यादा चल रहा है एज़ कम्पेयर टू नोकिया। रीज़न क्या है? उसका डिज़ाइन। तो डिज़ाइन जो है अगर वो अच्छा है तो आप ज़्यादा प्राइस के ऊपर भी अपना प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर पा रहे हो। सो डिज़ाइन इज़ ऑल्सो हेयर द मेजर फैक्टर विच इफेक्ट ऑन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट डिज़ाइन शुड ऑल्सो बी कंसिडर बाई द ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो ऑपरेशन मैनेजमेंट टू फाइंड द सुटेबल डिज़ाइन टू फुलफिल आर रिक्वायरमेंट विद कंट्रोल कोस्ट। और डिज़ाइन के साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोस्ट को भी कंट्रोल में रखा जाए। तो ये सारा कुछ कौन करेगा? ऑपरेशन मैनेजमेंट विच सेलेक्ट द प्रोडक्ट एज वेल एज द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज़ अ प्रोडक्ट प्रोसेस सेलेक्शन एंड प्लानिंग। सो हमने जैसे पहले भी देखा कि अगर किसी चीज़ को तैयार करना होगा तो उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। एवरी रॉ मटेरियल पास थ्रू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस देन कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड वन। एक रॉ मटेरियल बहुत सारे प्रोसेस में से निकलता है फिर जाके उसका फिनिश बन रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इफ़ द प्रोसेस विच इज़ टू बी यूज्ड और विच आर टू बी यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द रॉ इनटू फिनिश इज़ नॉट प्रॉपर और हैविंग सम फॉल्ट दैट विल इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट। सो दैट्स वाई प्रोडक्ट सेलेक्शन और प्रोसेस सेलेक्शन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस विच हैज़ टू बी टेकन बाय द ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो सेलेक्शन ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व टेकिंग डिसीजन अबाउट द टेक्नोलॉजी मशीन्स एंड द इक्विपमेंट्स विच आर टू बी यूज फॉर कन्वर्टिंग द रॉ इन टू फिनिश। सो वी हैव टू ऑप्टीमाइज द आउटपुट फ्रॉम द गिवन प्रोसेस। सो देखा जाए जो प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारी मशीन्स लगती हैं, क्योंकि प्रोसेस का मतलब है एक मेथड, पूरा एक मेथड है जिसके थ्रू आप कन्वर्ट कर रहे हैं। अब उसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन सी है, मशीन्स कौन सी लेनी है, इक्विपमेंट कौन से लेने हैं, ये सोचना और इसके अंदर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल दीज डिसीजन आर इरिवर्सिबल इन नेचर। एक बार ही डिसीजन ले लिया तो लंबे समय तक आपको उसको बेयर करना होगा। तो जैसे हम मान लेते हैं कि किसी ने नए प्रोडक्ट का काम, नया प्रोडक्ट तैयार किया, उसके लिए उसने एक प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया और उस प्रोसेस के लिए जो मशीन रिक्वायर है उसकी कॉस्ट है 5 करोड़। उसने मशीन भी बाय कर ली। अब हो क्या रहा है, जो उसने मशीन ली है या हम यूँ बोले कि जो उसने टेक्नोलॉजी बाय की है, अब उस टेक्नोलॉजी के साथ उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी या हम यूँ बोले कि उस क्वालिटी के साथ वो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा है जो उसने सोचा था। तो ये क्या हुआ, सारे का सारा पैसा वेस्ट हो गया और जो उसका डिसीज़न था वो गलत हो गया, तो जिससे उसको फ्यूचर में लंबे समय तक एक लॉस बेयर करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस को भी सही तरह से सिलेक्ट करेगी कि किस प्रोसेस को फॉलो करना है प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। हो सकता है एक मशीन जो है वो एक प्रोडक्ट के लिए बेटर हो लेकिन दूसरे के लिए बेटर ना हो, तो इसलिए आपको पहले से ये सोचना होगा कि मैंने एक इस मशीन के ऊपर पैसा लगा रहा हूँ किस पर्पज़ के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए, वो पहले से डिसाइड करना है, पहले से ध्यान में रखना है। दिस वन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ऑपरेशंस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग डिटेल द स्टेज ऑफ द प्रोसेस गिव्स अस द आइडिया ऑफ ऑप्टिमम ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन। सो सिलेक्शन के साथ साथ प्रोसेस की प्लानिंग करना भी ज़रूरी है कि हमने प्लान करना है कि पूरी उसकी डिटेल तैयार करनी है कि कौन कौन से प्रोसेस होंगे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश में कन्वर्ट करने के लिए। उन सभी प्रोसेसेस की प्लानिंग पहले से करनी होगी, एज वेल एज़ गिव्स अस द आइडिया ऑफ ऑप्टिमम ऑटोमेशन कि सही तरह से कैसे हम ऑटोमेटिक वे से प्रोसेस को कर सकते हैं और उसका मैकेनाइजेशन। ऑल दीज आर टू बी प्लान इन एडवांस कि हमने जो भी प्रोसेस फॉलो करना है इसके लिए उसको पहले से ही प्लान करना होगा कि विच प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग दिस मटेरियल इनटू फिनिश वन। तो ये सारा फंक्शन परफॉर्म किया जाएगा ऑपरेशन मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है लोकेशन फैसिलिटी। लोकेशन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैसिलिटी एज वी आर लुकिंग फॉर द लॉन्ग टर्म डिसीजन। सो अ रॉन्ग डिसीजन कैन मेक अस पे अ लॉट, लाइक
अगर लोकेशन गलत डिसाइड हो गई, आपने गलत लोकेशन के ऊपर अपना प्लांट सेटअप कर लिया है, तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एक बार ही प्लांट सेटअप कर लिया तो बहुत सारा खर्चा आपने कर दिया, बहुत सारी मनी आपकी परमानेंटली ब्लॉक हो गई फॉर द लॉन्ग पीरियड. सो दैट्स वाई ड्यू टू दिस सच काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा एक लॉस बेयर करना पड़ेगा फॉर द लॉन्ग टाइम. सो इसलिए इस तरह के डिसीजन को सोच के लेना होगा. तो मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि लोकेशन का मतलब क्या है, कि लोकेशन कैसे सिलेक्ट करनी है या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा फॉर लोकेशन. एक तो ध्यान रखना होगा कि जो आपके प्लांट की लोकेशन है वो नियर टू द वेयर हाउस हो, फ्रॉम वेयर द रॉ मटेरियल इज़ टू बी परचेज्ड और रॉ मटेरियल इज़ टू बी प्रोक्योर्ड, यहाँ से रॉ मटेरियल लाना है उसके बिल्कुल पास में हो, ताकि कोई भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ना आए एज वेल एज़ ज़्यादा टाइम ना लगे रॉ मटेरियल लेने में. सो दैट्स वाई इससे फ़ायदा क्या होगा, प्रोडक्शन विल नॉट स्टॉप एट ऑल बिकॉज रॉ मटेरियल ईजिली एज वेल एज़ टाइमली अवेलेबल टू यू. और एक और बात का ध्यान रखना होगा, वेयर सेलेक्ट अ पर्टिकुलर लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट बोथ आर मिनिमम. तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो आप कम कर सकते हैं अगर आप जो प्लांट है वेयर हाउस है दोनों को आपस साथ में बना रहे हैं. कोशिश कीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्शन चलनी है उसके अंदर ही एक वेयर हाउस बना के रखा जाए, अगर नहीं बना सकते उसके अंदर तो उसके बिल्कुल पास हो, ताकि उसका एक तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो एज वेल एज़ मिनिमम टाइम फॉर ट्रांसफ़र द प्रोडक्ट फ्रॉम द गोडाउन टू द प्रोडक्शन प्लांट और टू द प्रोडक्शन एरिया. एज वेल एज़ यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो बी मिनिमम विद दिस, क्योंकि जितना खर्चा इस तरह से आएगा वो सारा ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ऐड होगा. एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट ही है जो इस लोकेशन को सही तरह से डिसाइड कर पाएगी कि एक्चुअल लोकेशन कहाँ पर सही लोकेशन है, सही जगह है, यहाँ पर बिजनेस सेटअप हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी. लेआउट का मतलब होता है स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर उसका एक ढांचा तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना. मीन्स द पोजिशनिंग ऑफ मशीनरी, की मशीनरी कहाँ पर सेट करनी है, एज वेल एज़ द पोजिशनिंग ऑफ ऑल अदर टेक्निक्स एंड मेथड, ऑल अदर प्रोसेसेस. सो द मशीन शुड बी सो अरेंज दैट द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स स्मूथ. तो मशीन इस तरह से अरेंज करनी है कि प्रोडक्शन कभी भी रुके ना. जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर मशीन इस तरह से सेट की है कि अगर ए पर्सन मशीन के ऊपर काम कर रहा है, ए मशीन के ऊपर मान लेते हैं, बी पर्सन नंबर दो या बी मशीन के ऊपर काम कर रहा है, तो अगर बी पर्सन को बी मशीन के ऊपर पहुंचना है तो उसके लिए पहले ए को अपनी मशीन बंद करनी पड़ेगी. तो इट मींस वो ए को भी डिस्टर्ब कर रहा है, फिर अपने उधर पहुंच रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, ए की प्रोडक्शन जो है वो डिले हो रही है. या हम यूँ बोले कि जो ए मशीन है वो इस तरह से सेट है कि अगर किसी ने भी प्लांट के अंदर आगे जाना है, बिल्कुल दूसरी मशीन्स के ऊपर जाना है, तो ए मशीन को बंद करने के बाद ही आप जा पाएंगे. सो इट मींस इससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो रही है, प्रोडक्शन रुक रही है. सो दैट्स वाई ऑपरेशन मैनेजमेंट डिसाइड करेगी लेआउट ऑफ द प्लांट इन सच अ वे वेयर द प्रोडक्शन इज़ नॉट स्टॉप एट ऑल. सो पोजिशन ऑफ द मशीनरी एज वेल एज अदर टूल्स डिज़ाइन इन सच अ वे दैट द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और अदर प्रोडक्शन विल नॉट destroyed or will not be affected due to this machinery. तो इस मशीनरी की वजह से या एक पर्टिकुलर मशीन की वजह से बाकी की प्रोडक्शन जो है वो किसी भी तरह से ख़राब ना हो, बंद ना हो, वो स्मूथली फ्लो करती जाए. सो देर शुड बी अ प्रॉपर चॉइस ऑफ मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स. तो एज वेल एज मटीरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का क्या मतलब है कि जो मटीरियल प्रोडक्शन प्लांट के अंदर बोल सकते हो या गोडाउन से प्रोडक्शन प्लांट तक हैंडल किए जा रहे हैं उनके लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है. जैसे इसके लिए बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री है यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ हो रहा है, तो आपको केमिकल को हैंडल करने के लिए प्रॉपर ग्लव्स, प्रॉपर उसके लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, होना चाहिए अवेलेबल. क्योंकि अगर केमिकल्स को या कोई एसिड्स वगैरह है उसको बिना आप इन ग्लव्स या इस प्रोटेक्शन के उठाएंगे तो ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा आपके ऊपर, एज वेल एज इससे कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है. और अगर आपकी इंडस्ट्री इस तरह की है कि बहुत सारे हैवी हैवी रॉ मटेरियल हैं, बहुत हैवी रॉ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसको उठाने के लिए आपके अंदर ही कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए, छोटी क्रेन्स होती हैं उनकी फैसिलिटी, या फिर ऐसे हैवी व्हीकल्स को उठाने के लिए जो लिफ्ट फैसिलिटी है. इफ़ ऑल दीज आर अवेलेबल देन पॉसिबल. सो ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, ऑल दीज आर डिसाइड बाय द ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ले आउट मीन टू से द पोजिशनिंग ऑफ योर मशीनरीज एंड अदर टूल्स विच आर टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ मटीरियल मीन टू से हाउ टू handle the material which used for the production process. So all these are to be managed by the management.
नाउ नेक्स्ट वन इज कैपेसिटी प्लानिंग। तो कैपेसिटी का मतलब होता है कि आउटपुट जो आपने प्रोड्यूस करनी है उसकी प्लानिंग करना। तो पहले मैं इसको शुरू करने से आपको बता दूं कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या है बेसिकली। तो कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब है कि आपने अपना जो प्लांट है एज वेल एज अपने रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से आपने डिज़ाइन करना है, प्लान करना है कि जितनी आपको कैपेसिटी चाहिए या जितनी आपको डिमांड के हिसाब से आउटपुट चाहिए आप उतनी तैयार कर दें विद द अवेलेबल और विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपको मालूम है कि मशीनरी जो है कि वो एक फिक्स रिसोर्स है जिसको हम जल्दी से चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मशीनरी को छोड़ दीजिए, बाकी रिसोर्सेज को इस तरह से वो प्लान करेगा कि अगर उसको डिमांड ज़्यादा हो रही है, डिमांड ज़्यादा है, तो वो बाकी रिसोर्सेज को इस तरह से बढ़ाएगा कि उस डिमांड को पूरी कर पाए। मीन टू से वो अपनी कैपेसिटी को प्लान करेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स और वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से डिमांड हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की उस हिसाब से ही अपनी जो कैपेसिटी है उसको प्लान कर देगा। तो हम देख लेते हैं कैपेसिटी रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप कितना इनपुट को आउटपुट के अंदर कन्वर्ट कर पा रहे हो, कितने इनपुट आउटपुट में बदल रहे हो, उसको बोल देते हैं कैपेसिटी। सो प्रोसेस इंडस्ट्री पोज द चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन द कैपेसिटी प्लानिंग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है आजकल जो इंडस्ट्रीज़ को, रिक्वायरिंग इन द लॉन्ग रन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेजर फैसिलिटीज़ इन द कन्वर्जन प्रोसेस। तो सम टूल्स, तो इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है कि कितनी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, कितनी कम की जाए और कैसे बढ़ाई जाए, कैसे कम की जाए। अब इसके लिए इस मैनेजमेंट के पास कुछ टूल्स हैं, जैसे कि एक टूल है मैनेजीरियल कोस्टिंग, एक टूल है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो मैं आपको ये दोनों टूल समझा देता हूँ। मार्जिनल कोस्टिंग का आपको मालूम ही होगा मतलब क्या है। मार्जिनल कोस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमको कोस्ट इंकर्ड हो रही है ड्यू टू द यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। तो जैसे यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर क्या है, कैपेसिटी जब आप प्लांट की प्लान कर रहे हो तो आपको पता है कि उसके अंदर मशीन जो है एक फिक्स फैक्टर है, उसको हम नहीं चेंज कर पाएंगे, दैट दिस इज़ अ बेसिकली फिक्स रिसोर्स। बट लेबर, मनी एज वेल एज रॉ मटेरियल, ऑल दीज आर वेरिएबल। तो हम इन सभी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जितनी हमारी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से आप अपनी कैपेसिटी को प्लान कर पाएंगे। अब मान लेते हैं कि डिमांड आ रही है ज़्यादा, तो अब आप अपने वर्कर्स को, अपने लेबर्स को किस तरह से यूज़ करेंगे, इसकी प्लानिंग करनी होगी इस मैनेजमेंट को, ताकि हमको कम से कम खर्चा आए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग यही बता रही है बेसिकली कि हमको कम से कम खर्चा होगा कि अगर हम जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें। तो इस तरह से वो अपनी कैपेसिटी को प्लान करेगा विद द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज कि वो सही तरीके से यूटिलाइज हो पाए। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, यहाँ पर बेसिकली दो टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, वन इज़ सप्लाई एंड वन इज़ डिमांड। तो यहाँ पर वो इस तरह से डिज़ाइन करेगा अपनी कैपेसिटी को कि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से ही रिसोर्सेज को सेट करे ताकि उस डिमांड को पूरा कर पाए और उसकी कैपेसिटी जो है वो सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए, प्लान हो जाए। तो मतलब क्या है कि कैपेसिटी का मतलब है कि जितनी आपने आउटपुट लेनी है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जितने आपने रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसके लिए आपको जो भी प्रोसेस इम्पोज करना है इंडस्ट्री के अंदर, या हम यूँ बोले उसके लिए जितने भी आपने रिसोर्सेज यूज़ करने हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियल मैनेजमेंट, दैट इज़ लास्ट वन। मटेरियल इज़ द कोर सप्लाई चेन फंक्शन एंड इंक्लूडेड सप्लाई चेन प्लानिंग एंड सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज। तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है बेसिकली, मटेरियल मैनेजमेंट एक कोर सप्लाई चेन फंक्शन है कि जो जितना भी मटेरियल किसी डिपार्टमेंट को चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए वो सारा सप्लाई कर रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है बेसिकली, स्पेसिफिकली मटेरियल मैनेजमेंट इज़ द कैपेबिलिटी फर्म यूज टू प्लान द टोटल मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो ये मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो फर्म की कैपेबिलिटी देखेगी और उसके हिसाब से ही मटेरियल जो है प्रोवाइड करेगी मैनेजमेंट को। एंड द मटेरियल रिक्वायरमेंट आर कम्युनिकेटेड टू द प्रोक्योरमेंट एंड अदर फंक्शन ऑफ आवर सोर्सिंग। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट जो है वो कम्युनिकेट करेगी इन्फॉर्मेशन एज वेल एज प्रोक्योरमेंट एंड अदर फंक्शंस ऑफ सोर्सिंग की किसी तरह से भी मटेरियल की जो सप्लाई है वो सारे डिपार्टमेंट को दे रही है, खास करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो ये सारा कुछ जो है किसके द्वारा हो रहा है, सारा कुछ मैनेज किया जा रहा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट के द्वारा। तो इस तरह से ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है उसके ये स्कोप थे हमारे पास। तो आपको इन स्कोप के अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लेना है। तो जैसे कि कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर मैं आपको सभी के एक बारी की पॉइंट बता देता हूँ। मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर की पॉइंट्स क्या है,
मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर की पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट एक कोर सप्लाई चेन फंक्शन है, कोर सप्लाई चेन फंक्शन, दिस वन इज़ अ की पॉइंट। इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा आपका सप्लाई चेन प्लानिंग एंड सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। कैपेसिटी प्लानिंग के अंदर आपको की पॉइंट नोट करना होगा, इसके अंदर आपके लिए आपके पास की पॉइंट आ रहा है जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री पोज चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये आजकल सभी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है कैपेसिटी को प्लान करने के लिए, उसके लिए इनके पास जो टूल्स हैं वो अंडरलाइन करने हैं आपने, मैनेजरियल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग सॉरी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, ये दोनों टूल्स हैं विच आर टू बी यूज्ड फॉर द कैपेसिटी प्लानिंग। और कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब आप अंडरलाइन कर लीजिए, कैपेसिटी प्लानिंग रेफर्स टू द लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि कन्वर्जन प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है कन्वर्ट करने के अंदर, कितनी आप आउटपुट दे पा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। तो नेक्स्ट आप उसमें लोकेशन फैसिलिटीज़ के अंदर की पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए लोकेशन फैसिलिटी के अंदर की पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, कि हमने लोकेशन जो है वो डिसाइड करनी है कि विच बेसिकली हैविंग मिनिमम कॉस्ट, ये अंडरलाइन बेसिकल करना, लोकेशन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। एंड लेआउट के अंदर क्या है कि लेआउट मीन टू से पोजिशनिंग ऑफ द मशीनरी एंड हैंडलिंग का मतलब क्या है कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपरली सेलेक्ट करने हैं आपने। प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिज़ाइन के अंदर अंडरलाइन करना है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन मीन टू से प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट मिक्स और सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट अ राइट प्रोडक्ट कीपिंग द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, कि जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है उसके लिए मिशंस और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना होगा। डिज़ाइन के अंदर क्या है, डिज़ाइन हमने रखना है जो इट मेक अस कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या है कि टेक्नोलॉजी मशीन्स इन सभी को हमने ध्यान में रखना है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन के अंदर। एंड प्लानिंग प्रोसेस के अंदर हमने ध्यान में रखना है कि जो प्रोसेस है उसको प्लान करना है, मीन टू से प्रोसेस प्लानिंग डिटेलिंग द स्टेज ऑफ प्रोसेस, जो लास्ट लाइन है आपने पूरी अंडरलाइन करनी है इसके लिए। तो ये थे कुछ हमारे की पॉइंट्स फ्रॉम द स्कोप ऑफ ऑपरेशन एज वेल एज द स्कोप ऑफ ऑपरेशन। तो थैंक यू। सो गाइज हाँ।